नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए वीडियो में। आज हम होसूर तमिलनाडु में हैं अपने खुद के डेमो पॉली हाउस में। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉडकास्ट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस, कुछ ऑन फार्म वीडियोस भी हम बनाएं, तो इसी कारण हम आज आपको अपने पॉली हाउस दिखाना चाहते हैं। यहाँ हम अलग अलग क्रॉप के वेराइटीज़ ले रहे हैं, ट्रायल्स ले रहे हैं। ये कमर्शियल पॉली हाउस नहीं है, एक छोटा पॉली हाउस है, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हाइड्रोपोनिक और सॉइललेस में ग्रोइंग कैसे की जाती है। काफ़ी 3 से 4 नए अलग अलग वैरायटीज़ का हम यहाँ ट्रायल्स भी ले रहे हैं। हमारे साथ अंदर नवीन सिंह सर हैं, जिनका पॉडकास्ट आप में से कई लोगों ने देखा था। ये 25 साल से भी ज़्यादा का इनको अनुभव है। तो चलिए अंदर चलते हैं, सीखते हैं इनसे, बात करते हैं और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। चलिए नवीन सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली समझना चाहते हैं, अपने ऑडियंस को समझाना चाहते हैं सॉइललेस ग्रोइंग के बारे में। यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग क्रॉप वैराइटीज़ कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग का प्रश्न रहता है कि सॉइल में करें, सॉइललेस करें, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या होते हैं दोनों के? जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग ने बहुत सारी क्रॉप किए हैं। व्हील्स है, चिल्ली आइटम है, सीडलेस ब्रिंजल है, चेरी टोमेटो है और सीडलेस कुकुम्बर है। तो ये ऑप्शन आपको पॉली हाउस के अंदर और छोटा सा एरिया में, जो कि 400 टू 500 स्क्वायर मीटर है, ये पॉसिबिलिटी आपको सॉइल लेस में ही हो सकता है। सॉइल में मुमकिन नहीं है? सॉइल में मुमकिन नहीं, हाँ। क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस सबकी अलग अलग हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सॉइल लेस में क्या है कि हम एक न्यूट्रिएंट्स जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं प्रॉपरली एक एक रो को। सॉइल में करना थोड़ा बहुत टफ है और ये सब बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप हैं, तो इनको न्यूट्रिएंट्स मेन है। अब जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमने ब्रिंजल लगाया और विंस लगाया, एक नई क्रॉप है जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है। अभी ये करीब 50 डेज की क्रॉप है और चेरी टोमेटो भी 50 डेज की क्रॉप है। आप देख सकते हैं कि जो फ्रूटिंग है, एक एक बंच में करीब मतलब 80-90 फ्रूट्स जा रहे हैं और यूनिफॉर्म है। अच्छा, हाँ। तो ये चीज़ देखते हुए ये लगता है कि हमको कि सॉइल लेस में जाएं तो बेटर हम लोग रिजल्ट ले सकते हैं। और इनकी मैच्योरिटी अब 50 डेज में, विंस को आप देखें तो 50 डेज में बाहर हार्वेस्टिंग में नहीं आता है, लेकिन हम लोग यहाँ करीब 1 वीक बिफोर से हार्वेस्ट कर रहे हैं। अर्ली, हाँ, मार्केट कंपेरिजन में जल्दी हार्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मानो मेरे पास बड़ा एरिया है, 1 एकड़ 2 एकड़ में मैं सॉइल लेस करना चाहता हूँ, तो क्या एक एरिया में मुझे मल्टीपल क्रॉप करनी चाहिए या सिंगल क्रॉप काफ़ी रहेगा? देखिए, सिंगल क्रॉप तो हमेशा अच्छा है, हमेशा बेटर है। बेटर है, लेकिन अब 1 एकड़ एरिया का लीजिए, कोई बहुत बड़ी एरिया नहीं है। अगर आपको मार्केट हमारी छोटी है, हम मान लीजिए विंस ही 1 एकड़ करते हैं, हो सकता है कि हमारी मार्केट में हम सेल ना कर पाए, वहाँ कम हो जाएगा। तो उस जगह पे हम 2-3 करें तो चल सकता है। उनके इरिगेशन सिस्टम थोड़ा सा डिवाइड कर लें और उसके हिसाब से प्लांटेशन करें तो बेटर है। बट आप कैसे मैनेज करेंगे, जैसे हर क्रॉप का न्यूट्रिगेशन इरिगेशन रिक्वायरमेंट अलग हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी तो मैं जैसे ऑनेस्टली जो है समझ लीजिए कि एक ही न्यूट्रिएंट्स एक शेड्यूल बना के उसी से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको एक प्रॉब्लम आई है कि अभी 50 डेज में चेरी टोमेटो में इसके जो ये बैक साइड है ये ब्लैकिश होने लगे, ब्लैकिश दिखने लगे। तो इसमें क्या है कि कैल्शियम की कमी आ रही है सिम्टम्स में। अभी इसमें नहीं, नीचे था, सॉरी, कोई बात नहीं। तो और ब्लैकिश जैसे स्पॉट दिख रहे थे, तो कैल्शियम डिफिशियंसी आ गई थी। तो मैंने क्या किया कि इनको कुछ सबका साथ में जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं, अब कुछ इनको एक्स्ट्रा मैनुअली दे दिए, तो मैनेज हो गया। तो छोटा सा एरिया है, इसके लिए तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अगर लार्ज एरिया में जाते हैं तो आपको सेपरेट जाना बेटर है। एटलीस्ट मतलब एक एकड़ में 2-3 क्रॉप रखें तो चल सकता है। मैं तो यहाँ पे हम लोग 200 स्क्वायर मीटर में 5 क्रॉप रखे हैं। मतलब ये तो एक डेमो के लिए है, डेमो के लिए है, इसके लिए समझे। हाँ, और सर जो ये ग्रोइंग ट्रफ में आप ग्रो कर रहे हैं, हाँ, इसमें कैसा सब्सट्रेट यूज़ करना चाहिए, कोकोपीट के अलावा और क्या क्या मिक्सचर होते हैं? देखिए, मोस्टली अगर हम लोग सॉइल लेस की बात करें तो कोकोपीट ही मेन है। और अगर आपकी प्लांट की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू या और थोड़ा रूट डेवलप बेटर चाहते हैं तो थोड़ी वर्मी कोलाइट, पैरालाइट, ये भी मिक्स कर सकते हैं 20-20%। अगर आप 60% कोकोपीट रखते हैं तो 20% वर्मी कोलाइट, 20% पैरालाइट, या दोनों में से एक भी मिक्स करें तो अच्छा है। वैसे कोकोपीट ही हाईली पोरस है, लीच आउट होने का प्रॉब्लम नहीं है, रूट डेवलप बहुत अच्छा होता है। अब आप देखिए, ये 45 to 50 डेज के प्लांट्स हैं और ये इनकी रूट डेवलप देखिए, यहाँ पे देखिए,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और ये थोड़ा वेट भी है, मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं, मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से होल्ड करते हैं और कोई भी सॉयल बॉर्न डिजीज नहीं है इसमें। और 50 डेज में अभी आप जो बिंजल प्लांट है वो आपका करीब 5 फीट हो गया है, ये सॉयल में पॉसिबल नहीं है, सॉयल में पॉसिबल नहीं। अब जस्ट इसमें फ्रूट सेटिंग हो रही है और ये सीडलेस हैं, इनकी साइजेज करीब आप देखेंगे तो करीब 250-300 ग्राम तक रहेगा और ये लाइट वेट होते हैं और इनकी मार्केट वैल्यू देखा जाए तो नॉर्मल ब्रिंजल मान लीजिए आपका 10-15 रुपीज एवरेज है तो ये 25-30 रुपीज रहता है, 25-30 रुपीज पर किलो। हाँ, पर किलो। और एक एकड़ में अगर मैं ब्रिंजॉल करने जाऊँ तो कितना हार्वेस्ट मेरा निकल सकता है? ये इनकी लाइफ जो है वो समझ लीजिए 7-8 मंथ या 9-10 मंथ तक मेंटेन कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्लाइमेट तक, तो आप 40-45 टन तक निकाल सकते हैं सीडलेस का, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स बनती है। अगर 25 भी निकलता है 40 तो 10 लाख की आपको प्रोडक्शन है और इतना इसमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट दूसरे क्रॉप से नहीं है, बहुत स्ट्रांग क्रॉप है। सर एक और जो बहुत सारे लोग का प्रश्न होता है कि सॉयलेस में जब कोकोपीट सबसेट के साथ कर रहे हैं सॉयलेस ट्रफ का इस्तेमाल करें, ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करें, बेहतर कौन सा होता है आपके हिसाब से? देखिए ग्रो बैग्स सब लोग काली कास्ट के हिसाब से, कास्ट कटिंग के हिसाब से ग्रो बैग्स जाते हैं। ग्रो बैग्स प्रॉपर कोई ग्रोइंग तरीका नहीं है उसमें, क्योंकि जब भी आप रूट देखते हैं तो हॉरिजॉन्टली ना के क्वाइल हो जाती है, तो जो कुकुम्बर वगैरह करते हैं वो तो थोड़ा सा सर्वाइवल कर लेते हैं। अगर आप कलर कैप्सिकम, चेरी टोमेटो जैसे 7 मंथ की क्रॉप है, ब्रिंजल है 1 ईयर 8-9 मंथ की क्रॉप है, तो ये सबको रूट क्वाइल होने के बाद मतलब वो प्रोडक्शन आप नहीं ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने में प्रॉब्लम होगा। और दूसरा ग्रो बैग रखते हैं वो कभी इधर लुढ़कता है कि इधर लुढ़कता है, उसमें आप स्टेकिंग प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली रूट डेवलप जो होता है वो बहुत बेटर है न्यूट्रिएंट्स अपटेक के लिए। लेकिन इसमें अगर मानो एक क्रॉप में मेरे पेस्ट डिजीज आ गए तो भी ट्रांसफर हो सकता है आराम से? वन ग्रो में हो सकता है, वन ग्रो में। हाँ, लेकिन सॉयललेस में ये चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि अगर बात करें रूट की मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, निमेटोड्स आता है, तो निमेटोड्स ऐसा नहीं है कि आपका पूरा रो का रो आ जाएगा, एक दो प्लांट में आए रिमूव कर दीजिए कंट्रोल हो सकता है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं यूज कर लें कंट्रोल हो जाएगा। तो ट्रफ और जो ग्रो बैग में डिफरेंस है, एक तो इरीगेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम जब ग्रो बैग में जाते हैं एयरो ड्रिपर होता है और ट्रफ में इन लाइन ड्रिपर यूज करते हैं हम लोग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर? जैसे कि एरो ड्रिपर है लाइक दिस स्टिक जैसा है, वर्टिकल ये इन लाइन ड्रिपर जो है वो स्प्रेड होता है, तो एक तो हमारा इरीगेशन प्रॉपर होता है इन लाइन में और वो ट्रफ में ही हम यूज कर सकते हैं, और ग्रो बैग में इन लाइन ड्रिपर्स नहीं यूज कर सकते, उसके लिए एरो ड्रिपर ही जाता है। अच्छा, तो एक तो उसमें LPH भी हाई होते हैं, चलिए LPH तो मैनेज कर किया जा सकता है, LPH मतलब लीटर्स पर आवर पर आवर्स। हाँ, लेकिन वो एक कभी कभी आप देखते हैं कि एक ही स्टिक लोग लगाते हैं, एरो ड्रिपर एक ही यूज करते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है उतना, जैसे ग्रो बैग का साइज है 12x18 है तो पूरा एरिया को कवर नहीं कर पाता है और लीच आउट का इशू बराबर आता है। तो जो सॉयललेस ट्रफ में या ग्रो बैग में हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं उसमें लीच आउट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट 20-30% वाटर लीच आउट होना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे ईसी इंक्रीज होने लगती है, हाई लगती है, साल्ट फॉर्मेशन होने लगता है, तो ये सब चीज़ों को देखा जाए तो ट्रफ बेटर है। और लाइफ, ग्रो बैग की लाइफ क्या है, बहुत क्वालिटी है तो आप एक क्रॉप से दो क्रॉप यूज कर सकते हैं। अच्छा। इसको 10 इयर्स कुछ नहीं होता है, तो देखा जाए तो क्रॉप वाइज और लाइफ वाइज और लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से ट्रफ बेटर है सभी क्रॉप के लिए, सारे क्रॉप के लिए, सारे क्रॉप के लिए, यहाँ तक कि आप फ्लावर भी ग्रो करें, वेजिटेबल भी ग्रो करें, डिपेंड करता। और इसमें एवरी 40 सेंटीमीटर होल्स होता है तो लीच आउट का प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, हर 40 सेंटीमीटर पे होल होता है ताकि वो लीच आउट हो जाए। और एक ग्रो बैग में क्या होता है कि आपका बॉटम में अगर हम वीड मैट के ऊपर रख दिए और बॉटम में होल्स हैं, साइड से होल्स हैं, तो साइड से होल होने के बाद जब इतना वाटर लॉगिंग होने के बाद तब लीच आउट होता है, तो एक लीच आउट का मैंने हमेशा देखा कि उसमें ग्रो बैग में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसके डिज़ाइन के कारण वो प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। समझ गया सर। अगर सॉयलेस में मैं खेती कर रहा हूँ तो क्या वीड मैट इस्तेमाल करना मैंडेटरी है? बिना वीड मैट के भी खेती हो सकती है? हो सकती है, लेकिन अगर आप सॉयलेस की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो वाटर लीच आउट होगा वो अगर आप सॉयल में करते हैं तो कहीं भी वाटर लॉगिंग होगा,
स्प्रेड नहीं होगा और वो वहाँ पे बार बार फंगस डेवलप होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर वीड मैट है और वीड मैट के ऊपर आप ट्रफ रखते हैं तो एक तो वीड जर्मिनेशन का कोई इशू नहीं आएगा और दूसरा स्मूथली आपका वाटर जो लीच आउट हो रहा है वीड मैट के अंदर चला जाएगा, तो कहीं कहीं ऐसा वाटर होल्डिंग या कुछ ऐसा होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बेसिकली वीड मैट में क्या होता है कि वाटर लॉग नहीं होगा, लॉग नहीं होगा। हाँ, इसमें डीप उसको वाटर परमिएबल होने के कारण वाटर नीचे चला जाएगा और एक गंदा भी नहीं दिखेगा। करेक्ट। और वर्किंग करने में इजी रहेगा। समझ गया। हाँ, और मेन चीज़ तो वीड भी इशू है। तो अगर आप सॉइललेस की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट से, सॉइल बॉर्न डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वीड मैट जरूरी है, क्योंकि वीड में ही बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट का मतलब एक तरह से होस्ट हो जाता है खरपतवार में ही, तो वो नहीं होना चाहिए पॉली हाउस के अंदर। समझ गया। और जो क्रॉप को सर न्यूट्रिशन और फर्टिगेशन हमें देना होता है, ये ड्रिप लाइन कहाँ से कनेक्टेड होता है, वो न्यूट्रिशन मिक्स में ही आप मिलाते हैं? ये हमारा बाहर सिस्टम है। एक तो सॉइललेस में पहली बात है कि ऑटोमेशन होना ज़रूरी है, और क्या उसकी वाटर की क्वालिटी है, पीएचईसी सब उसके बाद डिटेल्स के बाद टेस्टिंग के बाद क्रॉप को क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं। ए बी टैंक होते हैं और सी टैंक भी, अगर आपका पीएच हाई है, एसिड्स वगैरह से मेंटेन करना है तो एक सी टैंक्स भी रखते हैं। उसके बाद हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, कुछ की सिमिलर भी हो सकती है, तो उस हिसाब से हम पीएचईसी मेंटेन करके उनको बाय ड्रिप प्रोवाइड कराते हैं। इसमें ड्रिप का ध्यान देना ये है कि ड्रिपर टू ड्रिपर जो स्पेसिंग है वो 20 सेंटीमीटर हो, मतलब ये जो पाइप के बीच में पाइप पे ड्रिपर टू ड्रिपर। अच्छा, ड्रिपर टू ड्रिपर। हाँ, समझ गया। और ये ट्रफ जो 1747 है साइज का है, इसमें दो लाइंस ड्रिप लाइन यूज होती है और 16 mm की ड्रिप लाइंस है और ड्रिपर टू ड्रिपर 20 सेंटीमीटर और 0.6 LPH का ड्रिप लगा हुआ है। तो जितना कम LPH का रहेगा उतना वाटर स्प्रेड अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स प्लांट इजीली अपटेक करता है। सर, ड्रिप के बारे में थोड़ा और समझते हैं, मतलब जब मैं ड्रिप इरिगेशन अगर मैं खेती करना चाह रहा हूँ तो ड्रिप इरिगेशन का सिलेक्शन क्या क्या पैरामीटर से बेस्ड होता है? एक तो आपने LPH बोला, ड्रिप टू ड्रिप डिस्टेंस बोला, एक हो गया एरो ड्रिपर, एक हो गया इनलाइन ड्रिपर, और क्या क्या पैरामीटर्स के बेसिस पे मुझे ये सिलेक्ट करना चाहिए और क्या सही क्या गलत होता है? मीडिया आपका मेन है। अगर आप सॉइललेस की बात कर रहे हैं तो सॉइललेस में जितना कम LPH है, 0.6 LPH स्टैंडर्ड है और स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर है डीपर टू डीपर, तो वो आपको सॉइललेस के लिए अच्छा है। अब वहीं ग्रो बैग आप यूज कर रहे हैं तो उसमें एरो ड्रिपर होता है, उसमें भी आपको अगर 0.8 और 1 LPH बिलो मिल जाए एरो ड्रिपर्स तो वो ज़रूरी है, क्योंकि हाई LPH कहीं कहीं आप देखते हैं कि लोग बटन डीपर्स यूज करते हैं। वो क्या होता है? वो मतलब उसके LPH बहुत हाई होते हैं, 4 LPH है, 6 LPH है, तो ऐसा कभी गलती से नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई LPH होने के बाद सारा वाटर फास्ट लीच आउट होगा, न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाएगा सॉइललेस में। तो इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आपके मीडिया पे और ग्रोइंग सिस्टम पे। अच्छा, उसके आधार पे आपको ड्रिप का सिलेक्शन करना चाहिए। और जो ये जो स्लोप वोप होता है लैंड का, वो सबसे भी ड्रिप का फर्क पड़ता है? देखिए, उसमें तो ड्रिप का है, अब तो पीसी NDPC ड्रिप आ रही हैं तो उसका फर्क तो पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि अगर प्रेशर कंपनसेटिव है, आपका सिस्टम उधर बंद हुआ तो ड्रिपर्स के जो ड्रॉप गिर रहे हैं वो बंद हो जाने चाहिए। अगर वो है तो आपका इरिगेशन यूनिफॉर्म रहेगा, थोड़ा बहुत स्लोप का फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे आप 1% स्लोप रखें तो बेटर। और सर, ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं, ये वायर लगाते हैं आप यहाँ पे, इसका क्या पर्पस होता है मतलब क्रॉप के लिए, ताकि क्रॉप गिरे नहीं? टेलेसिंग सिस्टम। हाँ, टेलेसिंग सपोर्टिंग है, इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल भी है, अभी हमारी फूटिंग स्टार्ट हो रही है लेकिन हाइट इसकी 5 फीट हो गई है। इसमें भी हमने ब्रांचेज मेंटेन कर रहे हैं, 3 ब्रांचेज मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबर आप ब्रांचेज करने के बाद फिर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, डिजीज बहुत सारे आएंगे। तो ये सब करते हुए कटिंग, प्रूनिंग और ट्रेलेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेलेसिंग ऐसी चीज़ है कि अभी मान लीजिए आपकी टोमेटो ही है, 7 मंथ की क्रॉप है चेरी टोमेटो, अगर ये आप ट्रेलेसिंग वायर ऐसा यूज किए कि जो 3 महीने में डैमेज होने हैं तो आपकी पूरी क्रॉप डैमेज कर सकता है ट्रेलेसिंग वायर, इतना एक जरूरी है क्वालिटी होना। और कटिंग प्रूनिंग में सर बहुत हम लोग यूज़ करते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको समझाने के लिए कटिंग प्रूनिंग क्या होता है, कौन से क्रॉप्स के लिए कटिंग प्रूनिंग किया जाता है और कैसे किया जाता है, अगर हम लोग देख भी सकते हैं मतलब पॉसिबल है, कैसे करते हैं? जैसे अभी देखिए, इसमें ये ब्रिंजल है,
बेसिक्स है, मतलब बेसिक्स है। ब्रिंजल में देखिए हमने 3 ब्रांचेज मेंटेन कर रहे हैं, 3 ब्रांचेज। तो अब यहाँ हमने नीचे भी बहुत सारी ब्रांचेज आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये साइड ब्रांच एक आई है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक फ्लावर ये ब्रांच पे रख लिए हैं और इसको हम टॉप को क्लोज कर दिए हैं, ये सीजर से क्लोज करना चाहिए। तो ऐसे ही अभी ये ब्रांचेज आगे ऊपर जाएगी, अभी यहाँ फ्रूट आ गया, इधर इस ब्रांच में भी आएगी तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मतलब अगर बहुत ब्रांचेज हो जाएगा तो डेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो क्वालिटी फ्रूट क्वालिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी। और नहीं कटिंग और प्रूनिंग में डिफरेंस क्या होता है? कटिंग प्रूनिंग जैसे आप एक शब्द ही है, पैरेलल है इसमें है, टोमेटो में है, आप देख रहे हैं जैसे इसका बाई अलग है बाई नेचर। अभी देखिए लीफ है और सेकेंड लीफ ये है, उसके बीच में ये फ्रूट सेटिंग हो रही है। फिर से बताइए क्या? ये लीफ है, हाँ ये लीफ हो गया, फिर इसके बाद यहाँ लीफ आई है, इसके बीच में ये फ्रूट सेटिंग हो रही है। तो ये रिमूव करते हैं, यहाँ से साइड ब्रांच आती रहती है, ये रिमूव करते हैं। देखिए जैसे यहाँ भी है, ये देखिए ये सेट हो गए हैं। तो ये दो लीफ के बीच में फ्रूट सेटिंग आता है। और मोस्टली क्रॉप पे क्या होता है, जो इंटर नोड होते हैं यहीं पे साइड ब्रांच आती है, यहीं पे फ्रूट सेट होते हैं। लेकिन टोमेटो में ऐसा नहीं होता है, टोमेटो में जो है ये आपके लीफ के बीच में आता है, ये जो मेन स्टेम है। आप जहाँ भी देखें, यहाँ भी, यहाँ ऊपर भी देखिए, ये लीफ है, यहाँ लीफ है, ये फ्लावर ब्रांच निकल रहा है दो लीफ के बीच में, दो लीफ के बीच में स्टेम है। हाँ, और जैसे कुकुम्बर है, कैप्सिकम है या बीन्स है, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये जो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये साइड ब्रांच कट हुआ है, तो यहीं पे ही फ्रूट आता है। तो उसका तरीका अलग है कि भाई अगर आपको नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा रखना है तो उसमें साइड ब्रांच पे भी एक रख दिए कैप्सिकम में, अब मेन इंटर नोड पे भी रख दिए। लेकिन टोमेटो में ऐसा कुछ नहीं है, खाली हर लीफ के यहाँ से साइड ब्रांच को रिमूव करना है, वो ऑटोमेटिक जो उसके फ्लावर बंच है वो आते रहेंगे। तो हर क्रॉप का अलग अलग है मेंटेन करने का। हाँ, अब मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो फिर पॉली हाउस में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट, लोगों को लगता है कि पॉली हाउस लगाने से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है नहीं, पॉली हाउस केवल एक टूल है जिसको लगाकर आप ग्रोइंग कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर भी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हेल्प चाहिए, कैसे आप खेती करें वो ध्यान में रखना है, तो हाँ वो ध्यान में हमेशा रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवीन सर, ड्रिप के बारे में जो आप समझा रहे थे, एक और जो कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ये ड्रिप का पाइप होता है उसका डायमीटर क्या होना चाहिए और जो लेंथ होता है क्या कैपेसिटी पे, वो बेसिक्स थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ जी, ये देखिए जैसे अभी हमने जो यूज किया है ये 60 mm इसका डाया है और ये लेंथ तो बहुत कम है 20 meters से, लेकिन इसमें आप 50-60 meters तक लेंथ तक जाएं तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन इस ड्रिप लाइन की कैपेसिटी है 60 mm की, कि वो मतलब 50-60 meters के बाद आगे और भी आप कंटिन्यू करते हैं तो वो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं होगा। मतलब इनकी वाटर सप्लाई की एक कैपेसिटी है ना, 50-60 meters तक, 50 meters तक ये बराबर यूनिफॉर्म इरीगेशन करेगा। लेकिन अगर हम इसको कहीं 100 meters लेके गए तो इससे जो वाटर फ्लो उधर से आ रहा है वो कम हो जाएगा, लास्ट तक कंटिन्यू नहीं होगा। उसके लिए मुझे बड़ा डायमीटर लेना होगा। हाँ, या तो फिर हमारा साइज ही स्टैंडर्ड रहे, 40-50 meters जो है वो रहे। कहीं कहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं कि 12 mm का लगा देते हैं, तो बोलते हैं वो वाटर तो सप्लाई होगा लेकिन उसकी जो लेंथ है वो आपका 30 meters की कैपेसिटी है, 30 meters तक यूनिफॉर्म इरीगेशन करेगा, उसके बाद कम हो जाएगा। क्या होगा कि एक एयर में प्लांट ग्रो ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट प्लांट जो है वहाँ आगे ज़्यादा इरीगेशन होगा, पीछे कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा कास्ट कटिंग के चक्कर में कहीं हम अपने क्रॉप को फेल ना करें। तो बेसिक चीज़ है कि जब ड्रिप सेलेक्ट कर रहे हैं किसी एग्रोनॉमिस्ट का हेल्प लेके आप ये समझें कि डायमीटर क्या लेना चाहिए आपके पॉली हाउस के लेंथ और विथ के हिसाब से, एक सर्टेन डायमीटर होगा उस ड्रिप पाइप का, राइट सर? और अगर आप गलत डायमीटर का ले लिए तो आपके प्लांट में डिफरेंसेस आने लगेंगे, क्योंकि एक प्लांट को ज़्यादा इरीगेशन मिलेगा, दूसरे प्लांट को कम मिलेगा। दोस्तों, एक नया क्रॉप हम ट्राई कर रहे हैं ग्रीन हाउस में, ट्रेडिशनली एक जो ओपन फील्ड क्रॉप होता है सर, फ्रेंच बीन्स को हम ग्रीन हाउस में कर रहे हैं। सबसे पहले ओपन फील्ड और ग्रीन हाउस में ये क्रॉप करने में डिफरेंस क्या आता है, उसके बाद थोड़ा और डिटेल्स पे जाएंगे, बट सबसे पहले क्या ये एक प्रॉफिटेबल क्रॉप हो सकता है ग्रीन हाउस में, या इसका रिटर्न मिल सकता है? श्योर मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये इसके लिए कुछ हाई टेम्परेचर में ग्रो करना टफ होता है, तो ये लो टेम्परेचर्स की क्रॉप है। क्या टेम्परेचर सही होता है इसके लिए? इसके लिए समझ लीजिए कि मैक्सिमम अगर 30 है और मिनिमम 10 के नीचे न जाए तो वो बेटर रहेगा। अच्छा, हाँ,
तो नॉर्थ इंडिया में लोग मतलब जो करते हैं वो लोग अक्टूबर नवंबर में प्लांटेशन करते हैं, और जैसे दिसंबर में जाता है जनवरी में तो वहाँ पे क्रॉप ओपन में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे फंगल बीमारियाँ, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब आने लगते हैं। और यही चीज़ पॉली हाउस में अगर करें तो इसकी लाइफ 5 से 6 महीना हो सकती है, जो कि 3-4 महीना में ख़त्म हो जाती है, और ये 5 से 6 महीना हो सकती है। तो 5 से 6 महीना में देखा जाए क्रॉप साइकिल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कोई फंगल बीमारी फ्रूटिंग भी होता है। आप देखिए जैसे इसमें देख रहे हैं जो इनकी फ्रूट साइज है, फ्रूट साइनिंग है, कितना बेटर है। तो नंबर ऑफ फ्रूट भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो बाहर का जो प्रोडक्शन का एवरेज है, तो अगर कोई ऐसा बीमारियों से बच जाता है तो 10 से 12 टन निकालना मुश्किल हो जाता है, मतलब 1 kg पर प्लांट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चीज़ अगर हम पॉली हाउस में करते हैं तो मिनिमम 2 kg का एवरेज हमारा आ सकता है। तो ये करीब 12,000 प्लांट लगते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 24 से 25 टन पर एकड़ प्रोडक्शन हो सकता है। और मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या होता है एवरेज? ये तो डिपेंड करता है, कभी 100 रुपीज़ भी फार्मर को मिलता है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 50-60 रुपीज़ है इसका एवरेज मार्केट सारे पार्ट ऑफ इंडिया में। अच्छा, तो 50 से 60 रुपये। हाँ, वेजिटेबल की हाई वैल्यू क्रॉप है ये भी, तो बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से जहाँ पे जैसे अभी कुकुम्बर लिए और वहाँ पे एक दूसरा सेकंड क्रॉप रोटेशन करना है या चेंज करना है, और टेम्परेचर का इशू है, क्लाइमेट का देख के, तो वहाँ पे बीन्स एक क्रॉप्स कर सकते हैं, तो दोनों क्रॉप का मिला के इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा हो सकता है। और सर फर्टिगेशन, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है? इजी है, फर्टिगेशन बहुत कम है। ऐसा क्या क्या लगता है? फर्टिलाइजर तो सारे ग्रेड तो लगेंगे, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम जरूरत है इनको। हाँ, 1 एकड़ का है तो आपका मतलब 1 से 1.5 लाख में पूरी क्रॉप अगर 6 महीना करते हैं तो निकल जाएगी। लेबर थोड़ा हार्वेस्टिंग के लिए लेबर एक्सपेंसिव है, तो हार्वेस्ट में लेबर को थोड़ा सा लेबर चार्ज आपका बढ़ेगा, लेकिन पेस्ट मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर बहुत ईजी मैनेज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं मतलब लीफ भी फ्रेश है, ऐसा कोई माइट स्ट्रिप्स, कोई अटैक भी नहीं है, तो कंपेयर दूसरे क्रॉप से मेरे हिसाब से बेटर है। अच्छा, पेस्ट का भी आप कह रहे हो उतना ज़्यादा नहीं अटैक नहीं है? नहीं, तो इसमें भी प्रूनिंग ये सब करना होता नहीं है? कुछ इसमें प्रूनिंग वगैरह का नहीं है इसमें। हाँ, इसमें दो चीज़ देख, एक तो हमने यहाँ पे देखा है कि आप देख सकते हैं कि ट्रेलिसिंग वायर पे ही हमने ले लिया है। अच्छा, पूरा? हाँ, और इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि सब क्रॉप सपोर्ट नेट आते हैं 3 मीटर विड्थ के ऐसे, तो उस पर भी आप इनको स्टेकिंग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, और इधर से उधर करके इनको कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा ये है कि पॉलिनेशन का भी इशू नहीं है, जो फ्रूट से पॉलिनेशन कैसे होता है सर? ये सेल्फ पॉलिनेटेड है सर। मैं आपसे पूछना था, आपने याद दिला दिया, एक्चुअली पॉलिनेशन प्लांट में क्या होता है? बहुत सारे लोग समझते नहीं है प्लांट का फ्रूटिंग कैसे होता है, पॉलिनेशन समझा सकते हैं? दो तरीके के जो पॉलिनेशन होते हैं वो भी बता सकते हैं थोड़ा? मेन देखा जाए तो दो तरह के पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब आप फ्लावर आता है, उसके बाद अंदर ही मेल फीमेल्स ग्रेन्स होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में एक सेम फ्लावर में मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों रहेगा, और ऑटोमेटिकली मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड है तो वो पॉलिनेशन हो गया, और उसके बाद उसमें फ्रूट सेट हो जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे आप टोमेटो हैं तो उसमें एक ही फ्लावर्स में रहते हैं मेल फीमेल्स, लेकिन उनको मूवमेंट चाहिए, जैसे हवा से, पॉली हाउस के अंदर करना है तो एयर ब्लोअर वगैरह से, तो उससे करके या बबल बीस हो गए हैं, मधुमक्खियाँ हो गए, तो ऐसे ओपन में इंसेक्ट से हो जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब उसमें ग्रेन्स को मिलना जरूरी है, मेल ग्रेन और फीमेल ग्रेन को मिलना जरूरी है, तो वो चीज़ आपको मतलब ओपन में इजली हो जाता है। वही चीज़ अगर पॉली हाउस में आप कर रहे हैं तो आपको बबल्स भी या एयर ब्लोअर से कराना पड़ेगा। कैप्सिकम क्या होता है सर? सेल्फ पॉलिनेटेड है। क्यूकुम्बर भी? क्यूकुम्बर भी सेल्फ पॉलिनेटेड है। अच्छा, तो बीन्स भी है, चेरी टोमेटो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड है, जो देखे आप। आई थिंक अब आजकल नए नए सीड वैरायटी सीड वैरायटी हाँ जो अभी ब्रिंजल की, ब्रिंजल में दोनों चलता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। अच्छा, हमने ये सरापोवा वैरायटी करके लगाया था, सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो इस तरह से पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉली हाउस में देखा जाए तो अच्छा है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ग्रो करें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। समझ गया दोस्तों। एक और नया क्रॉप का हम ट्रायल ले रहे हैं यहाँ पॉली हाउस में, सॉयलेस कल्टीवेशन में, जो कि है ब्रिंजल। अब जैसे नवीन सर बताए थे कि ओपन फील्ड में तो लाखों एकड़ में ब्रिंजल की खेती होती है, बट क्या पॉली हाउस या नेट हाउस में इसका प्रोडक्शन लेकर उत्पादन बेहतर मिल सकता है, मार्केट में हमें रेट बेटर मिल सकता है, उसी का हम अभी ट्रायल कर रहे हैं। नवीन सर, कैसे यहाँ पे खेती हो रही है ब्रिंजल का थोड़ा समझा सकते हैं? और ज़रूर,
ये अभी हमारा करीब 50 डेज का क्रॉप है और फ्रूट सेटिंग चालू हो गया है। ये हमने सारा पोहा वैरायटी का लगाया हुआ है और सीडलेस बिंजल बोलते हैं, तो इसकी लाइफ जो है 7-8 महीने की है। और इसमें हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोग सिंगल लाइन प्लांटेशन किया है और इसको 3 ब्रांचेज मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ब्रांचेज नहीं मेंटेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें लीफ एरिया हो जाएगा और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा और डिजीज प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज़ अगर हम सीडलेस की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बिंजल से कम डबल, और अच्छी जगह पर अगर हमारी मार्केट होगी तो 3 times प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं इसके। कि आपने बोला सिंगल लाइन प्लांटेशन, हाँ, बाकी जगह पे क्या हो रहा था? बाकी बाहर भी तो सिंगल ही करते हैं, जैसे बीन्स में क्या हो रहा था? बीन्स वो डबल लाइन है प्लांटेशन। डबल लाइन, हाँ। अच्छा। चिल्ली सिंगल है, चेरी टोमेटो डबल है। अच्छा अच्छा, हाँ, और कुकुम्बर डबल है। सिंगल लाइन मतलब एक ही लाइन में सारे प्लांट, हाँ, एक ही लाइन। डबल में मतलब ऑल्टरनेट करके। तो इस हिसाब से ये हम लोग सिंगल लाइन प्लांटेशन किए हैं और प्लांट टू प्लांट करीब 60 centimeters है। तो क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा करने से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, और क्वालिटी आपको लेना है तो प्लांट डिस्टेंस और साइड ब्रांचेज आप मेंटेन करें तो आपको क्वालिटी बेटर रहेगी। तो बेसिकली इसमें भी जो आप कह रहे हैं कटिंग करना ज़रूरी है, ज़रूरी है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि ह्यूमिडिटी का एयर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम नहीं आए। श्योर। और इसका जो हार्वेस्ट साइकिल होता है वो कैसे होता है, मल्टी हार्वेस्ट होता है, सिंगल हार्वेस्ट? नहीं, मल्टी हार्वेस्ट है, आपको ये 70 days के बाद चालू हो जाता है हार्वेस्टिंग और ये आपको कंटिन्यू 6 months तक जाएगा आपको। सर कौन सा वैरायटी आपने बोला है ये और कौन सी कंपनी की है? रिजवान की सारा पोहा वैरायटी है और क्लाउस की एक गलिन वैरायटी आती है, वो भी सीडलेस करके है, लेकिन ये आपको पॉली हाउस के लिए सारा पोहा सबसे अच्छी वैरायटी है। अच्छा, हाँ। इसकी साइजेज आप देखेंगे तो मतलब बल्ब टाइप का सेफ है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, और 200-300 grams का बिंजल लगेगा कि 1/2 kg का है। अच्छा, हाँ। तो ये ब्यूटीफुल कलर और साइज बहुत अच्छी दिखेगी, तो इसके लिए मार्केट में अट्रैक्टिव है और इसकी प्राइस भी अच्छी मिलती है। समझ गया, समझ गया। चलिए अगले क्रॉप पे बढ़ते हैं। ये तो दोस्तों एक और क्रॉप जो नया क्रॉप नहीं है नेसेसरली, लेकिन जिसका हम फिर से पॉली हाउस में एक बार ट्रायल ले रहे हैं, वो की है चेरी टोमेटो। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो हमने अभी तक part 1 भी कवर नहीं किया है, दूसरे पार्ट में हम लीफी वेजिटेबल्स का एक नए सिस्टम के साथ देखने वाले हैं कैसे ग्रोइंग हो रहा है। तो नवीन सर सबसे पहले बता सकते हैं चेरी टोमेटो में कहाँ से वैरायटी हमने लिया है ये और कैसा एज अ क्रॉप है इसका ग्रोइंग? ये चेरी टोमेटो बहुत ही अच्छी क्रॉप है और पॉली हाउस में देखा जाए तो ये 7-8 months की क्रॉप है। 7-8, हाँ। और आप कह लीजिए तो मार्केट में थोड़ी डिमांड तो रहती है, प्राइस अच्छी मिलती है, एवरेज प्राइस 100 rupees है, और लेकिन क्वांटिटी कम सेल होती है। क्यों? इंडिया में क्योंकि अभी उतना लोग अट्रैक्टिव नहीं है, डिमांड नहीं उतना, डिमांड उतना नहीं है, लेकिन प्राइस हमेशा अच्छी मिलती है। और ये जो है आपका नोनी कंपनी का सीड्स है, गोल्डी है, गोल्डन कलर्स की वैरायटी है और रेड कलर्स की भी है, और ये प्रोडक्शन आप देखेंगे तो बहुत प्रोडक्शन आता है, जैसे देख रहे हैं बंचेज में आप देख सकते हैं कि मतलब 70-80 फ्रूट्स एक एक बंचेज में है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये कलरिंग भी करीब 10 days के बाद कलर्स भी हो जाएंगे, तो फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी क्रॉप है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका एक्सपोर्ट और सारा वेजिटेबल्स आप कर रहे हैं उसके साथ एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा ही रिटर्न है, और पर प्लांट 7-8 kg प्रोडक्शन है, एक एकड़ में करीब 10,000 प्लांट लगता है। अच्छा, तो हाँ, तो 6-7 months में आप 70-80 tons जा सकते हैं, लेकिन मार्केट इसको देखना पड़ेगा आपको। अब मंडी में बेचने लायक क्रॉप नहीं है ना ये सर? नहीं, मंडी में तो नहीं है, सलाद आइटम है मोस्टली। लेकिन यह है कि अच्छी चीज़ अच्छी जगह पहुंचेगी तो उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। बिल्कुल, अगर आप फार्म पे एक्सपोर्ट हो रहा है, आपके बड़े फार्म है एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बेटर है, बहुत अच्छी प्राइस। मेरे तो समझ है सर कि अगर छोटा किसान है वो एक एकड़ से स्टार्ट कर रहा है, शायद उसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जब थोड़ा प्रोडक्शन बड़ा हो जाए, मार्केट आपका सिक्योर हो जाए, तब आप ये ऐड कर सकते हैं। श्योर, करेक्ट है वो? करेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि इनिशियली मंडी में बेचने वाला क्रॉप है नहीं है, मंडी पे जाके बेच नहीं सकते हैं, थोड़ा पैकेजिंग ब्रांडिंग चाहिए होगा, वो जरूरी है। जैसे पुणे में एक किसान जो मैं मिलके आया था, वैसे ही 8-10 वैरायटी अलग अलग कर रहे टमाटर का, चेरी टमाटर, उनका पूरा ब्रांडिंग वर्डिंग के साथ खेती हो रहा है। तो मैं अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो हम आपको क्रॉप के बारे में समझा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिना स्टडी किए बिना सोचे समझे आप करें, यहाँ एग्रोनॉमी एंगल से मैं आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप ये क्रॉप आप करना चाहते हैं कोई भी क्रॉप, तो मार्केट स्टडी आपको करना है। श्योर, श्योर, समझना ज़रूरी है। और इन टर्म्स ऑफ पेस्ट अटैक सर, वो सब मतलब ये सब बस ऐसा कुछ बहुत पेस्ट का नहीं है, देख रहे हैं, और पूरा डिजीज फ्री है, और
ये तो वैरायटियाँ इतनी अच्छी हैं कि इसमें वायरस वगैरह का भी प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, प्रोटेक्ट में वायरस आने का चांस भी बहुत ना के बराबर रहता है, तो ये आप इजी ग्रो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। और फर्टिगेशन शेड्यूल मतलब बेसिक वही है, बेसिक इसको थोड़ा सा कंपेयर दूसरे क्रॉप से कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कैल्शियम डिफिशियंसी टोमेटो में ज़्यादा आती है, तो जब करेंगे तो वैसा शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आओ आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक बेसिक सा डाल दूंगा जो हम फॉलो करते हैं, ताकि आप लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए कैसे क्या करना है। लेकिन फिर से अपना रिसर्च करिए, स्टडी करिए, अपनी कंडीशन हिसाब से शायद ही बदलता भी होगा सर, फर्टिगेशन कैसे भी कॉमन रहता है। अगर प्रॉपर शेड्यूल बना लिए तो फिर क्वांटिटी चेंज होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, कभी थोड़ी जैसे सॉइललेस में तो कोई ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज करने की ज़रूरत है आपको। और एक शेड्यूल बन गया तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते घटाते रहिए, बस इतना ही है मेंटेन करना है। समझ गया। चलिए अब दूसरे साइड पर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक नए हाइड्रोपोनिक सिस्टम के थ्रू कैसे हम लीफी वेजिटेबल्स कर रहे हैं, ब्रोकली की खेती कर रहे हैं, अलग अलग लीफीज हैं, लेटस है आपका, तो वहाँ बढ़ के देखते हैं। चलिए तो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स एक अलग सिस्टम अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम देखें सब्सट्रेट बेस्ड हाइड्रोपोनिक कैसे हो रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम है इसे हम एब एंड फ्लो इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। यूजली वो एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था इसे, और जो रेगुलर खेती में होता है एक फ्लड इरिगेशन सिस्टम होता है। यहाँ क्या होता है कि क्रॉप में टेबल पे पानी डाला जाता है और क्रॉप नीचे से पानी लेता है, जिसके कारण अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है क्रॉप का। तो इससे कुछ एडवांटेजेस जनरली हैं कि आपकी पानी की बचत होगी, आपकी क्रॉप को जो रिक्वायरमेंट है पानी देना है ना ड्यूरिंग अ डे वो काफ़ी कम रहेगा। लेकिन नर्सरीज में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसको, पॉटेड फ्लावर्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इस एरियाज में इंटरेस्ट है तो आप इस सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं। तो नवीन सर जी, क्या क्या क्रॉप्स हो रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा हमें बता सकते हैं? यहाँ पे तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब नर्सरी और पॉटेड वैरायटियों के लिए बेटर है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ किचन गार्डन कह लीजिए, लीफी वेजिटेबल्स और आपका ब्रोकली है, रेड कैबेज है, और बुक चॉय है, और नॉर्मल कैबेज है, और बेजिल्स वगैरह, पालक, मूली, ये सब जो घर के लिए यूज है वो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन एक इसको देखा जाए तो नॉर्मल फार्मर के लिए अगर ये सिस्टम यूज करते हैं तो नर्सरी के लिए सबसे बेटर है। हमारी नर्सरी जब हम ऊपर से इरिगेशन या न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो बहुत सारा डैमेज होता है, बहुत सारी वैरायटियां हैं जिनको ऊपर से इरिगेशन अच्छा नहीं रहता। तो इसमें एक बेनिफिट है कि आप ट्रे में अपना सीडलिंग डालें और फ्लो इरिगेशन सिस्टम अपना स्टार्ट करके डायरेक्ट यहाँ से पानी, हाँ पानी आप दे सकते हैं जो पौधा नीचे से लेगा, तो जो जितनी फंगल बीमारियां हैं नर्सरी में आने वाली उससे बचा जा सकता है। और सर इस सिस्टम में भी फर्टिगेशन इरिगेशन, फर्टिगेशन कैसे मैनेज होता है, मेन टैंक में ही आपका मिक्स रहता है? हाँ, इसमें देख रहे हैं जिसे दो रो हमारा टेबल लगा हुआ है, ऐसे ही बाहर दो टैंक्स हैं 2000 लीटर के, तो उसमें हमने मतलब ए बी स्टॉक सोल्यूशन करके ए बी करके मिक्स किया है। तो इसमें नर्सरी में या किचन गार्डन में इतना न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमने एक दिन ए से इरिगेट करते हैं सारे टेबल को और दूसरे दिन बी से करते हैं, तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। इसमें ऑटोमेशन भी यूज़ होता है सर? कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर भी जाएंगे तो आपको पीएचईसी ऑटोमेशन मेंटेन कर दीजिए, लेकिन हम अभी यहाँ पे ऑटोमेशन देखे मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन पीएचईसी हम मेंटेन करते हैं। समझ गया। तो दोस्तों अभी हम इरिगेशन और फर्टिगेशन यूनिट के पास हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक आरओ सिस्टम लगाया है। हाइड्रोपोनिक्स में आपको मिट्टी नहीं है, लेकिन पानी का क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपका वाटर टेस्ट थोड़ा भी आगे पीछे है, हमेशा लोग रेकमेंड करते हैं कि आप एक आरओ सिस्टम लगाएं। आरओ सिस्टम के साथ साथ आप देख सकते हैं अलग अलग टैंक हैं। हम समझने वाले हैं कि टैंक्स में सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं और यहाँ का क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक ग्रोअर को होना चाहिए। नवीन से थोड़ा समझा सकते हैं कि इन टैंक्स में क्या क्या होता है जी, और कैसे ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके आप इसे यूज़ तो करते? फर्स्ट जैसे 100 लीटर के दो टैंक्स हैं, ये 250 लीटर्स के हैं। तो फर्स्ट ए और बी टैंक्स हैं, इसमें हम स्टॉक सोल्यूशन तैयार करते हैं, जैसे कुछ फर्टिलाइजर हैं एक साथ वाटर सोल्युबिलिटी नहीं होती है ए और बी टैंक में, ए और बी में, तो उनको अलग अलग हम डाइल्यूट कर लेते हैं। और इसके बाद अगर हमारा पीएच हाई है, अभी तो आरओ प्लांट है तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, मेंटेन है, पीएच हाई है तो यहाँ पे एसिड यूज करते हैं। यहाँ से ए हमारा स्टॉक पॉइंट हो गया, इसको हम ऑटोमेशन सिस्टम द्वारा यहाँ प्रोग्राम सेट करते हैं। इसमें क्या होता है? ये मिक्सिंग टैंक है, तो जब यहाँ हम कितना पीएच, कितना ईसी क्या लेना है वो सेट कर दिए तो रन करेगा, तो ये वहाँ से स्टॉक सॉल्यूशन लेके ये मिक्सिंग टैंक में मिक्स कर देगा। और ये हमारा इरिगेशन वाटर हो गया,
इसको फिर जब ये रेडी हो गया और इसका पीएचईसी मेंटेन हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इरिगेशन में चला जाएगा ड्रिप के थ्रू। तो सबसे पहले आपने बोला ए एंड बी टैंक जो आपके फर्स्ट लेवल है, हाँ, जहाँ पे आप फर्टिलाइजर डालते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन मेंटेन करते, स्टॉक सॉल्यूशन मेंटेन करते हैं। वो हो सकता है कि 1 वीक का हो, 5 डेज का हो, वो डेली नहीं करते हैं। डेली ये सिस्टम रन करना है, वहाँ से स्टॉक लेके इसमें मिक्स करके ऑटोमेटिकली इरीगेट कर देगा। तो वो 5 से 10 दिन में आपको वहाँ पे मतलब चेंज करना होता है। हाँ, क्योंकि हमारा छोटा सा यूनिट है, इसके लिए हमने जो स्टॉक सॉल्यूशन टैंक है उनकी कैपेसिटी 100 लीटर की रखी। हाँ, अगर आपका बड़ा फार्म है, बड़ा तो 1000 का रखना पड़ेगा, बहुत बड़े टैंक है। हो सकता है 1000 का 3 नहीं 6 बनाना हो, 9 बनाना हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। समझ गया। तो वो यहाँ से मिक्स होता है, मिक्स होकर फिर ऑटोमेशन में आप प्रोग्राम डालते हैं, प्रोग्राम चला जी सीधा, हाँ, ड्रिप के थ्रू। नवीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके एजुकेशन के लिए, और हम आपसे हमेशा की तरह और वीडियोस में मिलते रहेंगे। किसान भाई और बहनों, ये था हमारे छोटे से डेमो स्ट्रक्चर का एक टूर नवीन सर के साथ। अगर आप वीडियो से कुछ नया सीखे हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, और अगर आप ये ग्रीन हाउस विजिट करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली देख के सीखना चाहते हैं, या हम जो भी कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स में कैसे हो रहा है, तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक टूर अरेंज करें, आपके लिए कुछ ट्रेनिंग्स अरेंज करें, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय हिंद।